शिवपुरी में फांसी की फंदी पर लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव, डिप्रेशन का शिकार था मृतक। शिवपुरी शहर के कोतवाली क्षेत्र के नमोनगर में एक 22 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। शादी से लौटे बड़े भाई ने कमरे में छोटे भाई को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा था। पुलिस ने मर कायम कर शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। नमोनगर के रहने वाले 22 साल के बंटी पाथम पुत्र रामबाबू पाथम का शव कमरे में लटका हुआ मिला। उसने दुपट्टे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मुकेश पाथम ने बताया कि उसका छोटा भाई डिप्रेशन में था। वे ग्वालियर सहित हैदराबाद में नौकरी कर चुका था, लेकिन उसे नौकरी रास नहीं आई थी। इसके साथ ही उसके कान में भी कुछ खराबी आ गई थी। हाल ही में भाई के कान का ऑपरेशन कराया था। उसका भाई परेशान रह रहा था। आज सुबह जब वे एक शादी में शामिल होने के बाद लौटा तो घर के एक कमरे में उसका छोटा भाई बंटी दांत मांजने का कहकर गया। उसी वक्त उसने कमरे की कुंडी लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद भाई की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। कोतवाली प्रभारी विनय यादव का कहना है कि युवक के पास सुसाइड नोट नहीं मिला है। मर कायम कर मामले की जांच की जा रही है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश। आगे? माधव। कहाँ के रहने वाले हो? नमोनगर। क्या घटना हो गई है? ये कौन फांसी किसने लगा ली? बंटी भैया ने, हमारे भाई ने लगाई है। देखा मैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं? बड़े भाई है? मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा है। कितनी उम्र होगी उसकी? बाकी हुई 22-23 साल। हाँ, और मैं तो शादी शुदा आदमी हूँ। और शादी शुदा, और तो अभी मैं तो सुबह शादी में लौट के आया। मम्मी वगैरह सब बाहर, पापा मम्मियाँ था, मेरा गेट लगा दिया। मैं मंजन करने ऊपर से गेट लगा के और अपने आप फांसी लगा ली। मैं देख गोल गोल के रह गया, पापा सोने लगे। किस बात को लेके लगा ली फांसी? वो अपने आप टेंशन थी। काहे की टेंशन? पता नहीं है, कान का ऑपरेशन करवाया को वाली है। अच्छा, तो क्या कमरे में ही लगा ली? कमरे में ही लगा ली? कमरे में ही लगा, पंखे से? पंखे से। क्या उपयोग के किया था? कपड़ा? दुपट्टा बांध के। दुपट्टा बांध के। कितने भाई बहन हो आप? तीन भाई थे, एक बहन थी। एक तो पहले ही एक्सपायर हो गई है। बहन की शादी हो गई? बहन की शादी हो गई। ब्याह भी मेरी ही भाई है। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम रामबाबू पाथम। कोई विवाद घर में? पापा रामबाबू पाथम है। कोई विवाद तो नहीं हुआ घर में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही लगा ली? वैसे ही, अपने आप टेंशन में। पता नहीं है क्या दिमाग में लोट बैठ गया। बात समझाते, अभी ग्वालियर से नौकरी करके आया, फिर ऑटो में बैठ गए।